नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। तो दोस्तों मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Flipkart पर कुछ ही दिनों बाद Flipkart पर बिग बिलियन डेज जो सेल शुरू होने वाली है उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना ऑफर देखने को मिलेगा और किस डेबिट कार्ड ATM कार्ड किसको लगाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है या फिर ऐसी कौन सी कैटेगरी का सामान है जिसको आप लोगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, वीडियो में आप एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो बिग बिलियन डेज सेल जो Flipkart पर स्टार्ट होने वाली है ये केवल 6 दिन के लिए स्टार्ट की जाएगी जो कि होने वाला है 16 तारीख से लेकर 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक के लिए चालू की जाएगी। तो आप इन 6 दिन के बीच में अपना जो भी आपको सामान खरीदना है अभी आप उसे होल्ड कीजिए और उसको उन सेल्स में खरीद लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि इस बिग बिलियन डेज सेल से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो देख ही पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे इंडियन के किराने वाले स्टोर हैं यानी कि इसमें 50,000 किराने जो स्टोर होते हैं उनको शामिल किया गया है और उनमें 850 शहर यानी कि 850 शहर के जो किराने के स्टोर इनमें शामिल किए गए, जिनकी वजह से क्या होगा यदि हम इनसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे ओवरऑल देखा जाए तो इंडियंस को भी फ़ायदा होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से ATM डेबिट कार्ड को लगाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा Flipkart इस सेल पर। यदि आप इस सेल में SBI, ICICI, HDFC, कोटक बैंक ये सारे चारों पांचों जो भी बैंक मैंने आपको बताएं यदि इसका आप ATM कार्ड यूज़ करते हो तो आपको नो कॉस्ट EMI के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप यदि कोई भी EMI का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको उसमें नो कॉस्ट यानी उसकी कोई भी जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा यदि आप इनमें से कोई सा ATM कार्ड लगाते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस सेल में आपको डेबिट कार्ड लगाने का भी मौका मिल जाएगा EMI के ऑप्शंस पर, यानी कि आपको डेबिट कार्ड के ऊपर भी EMI के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और उसमें आपको कार्ड की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो भी कोई निर्धारित नहीं, मतलब आपके जो कार्ड की मिनिमम वैल्यू होती है हर बार जैसे बिना सेल के आपके कार्ड की मिनिमम वैल्यू देखी जाती है अब वो देखी नहीं जाएगी, चाहे आपके अकाउंट में 500 रुपये या 500 रुपये का पूरे का शॉपिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ यदि आप SBI के साथ शॉपिंग करते हो यानी SBI का कार्ड लगाकर शॉपिंग करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो है कैशबैक देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकता है या फिर आपके पेटीएम पर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अब एक मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अब ये सेल आने वाली है तो इसमें क्या है कि कई लोग, और वैसे दीपावली भी आने वाली है तो इसमें क्या होगा कि कई लोग अपने नए स्मार्टफोन्स को जो है परचेस करने की कोशिश करेंगे या फिर परचेस कर भी लेंगे। तो जो इस टाइम पर परचेस करते हैं स्मार्टफोन्स को तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये देखने को मिलेगा कि स्मार्टफोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट देखने को उन्हें मिलेगा। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यदि आप नॉर्मल डेज में यदि कोई भी स्मार्टफोन परचेस करते हो तो उसमें क्या है कि आपको जो प्रोटेक्शन वैल्यू होती है वो आपको 250 से 300 रुपये देनी पड़ती है एक स्मार्टफोन की, और स्मार्टफोन के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना महंगा है उसी हिसाब से जो है उसकी प्रोटेक्शन वैल्यू देखी जाती है। लेकिन यदि आप इन सेल के अंदर कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो चाहे वो कोई सा भी एप्पल तक का यदि आप स्मार्टफोन परचेस करते हो तो आपको केवल 1 रुपये देना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन वैल्यू के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज के आपको किस कैटेगरी में कितने परसेंट तक की छूट देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोथिंग की, तो यदि आप क्लोथिंग में जाते हो तो कोई भी आप यदि कपड़ा वगैरह परचेस करते हो तो आपको उसमें 50 से लेकर 80% तक की छूट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और यदि उसके बाद हम बात करें शूज़ की, तो आप कोई सा भी शूज़ खरीदोगे तो आपको उसमें 50 से लेकर 80% तक की छूट देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाते हो तो आपको उसमें भी 60 से लेकर 80% तक की डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और यदि बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर में भी आपको 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और यदि बात करें हम TV, LED वगैरह इन चीज़ों की, तो इनमें भी आपको लगभग 80% के अराउंड वैल्यू देखने को मिल जाएगी डिस्काउंट की। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज के, कैटेगरी में पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यदि फलाना चीज़ आप लेते हो तो आपको कितने परसेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की, यदि आप गेमिंग लैपटॉप्स परचेस करते हो तो आपको 25% तक ऑफ देखने को मिल जाएगा। और स्मार्ट वॉचेस वगैरह और बैंड वगैरह जो होते हैं फिटनेस बैंड वगैरह, इनमें आपको 80% तक का ऑफ देखने को मिलेगा।
पावर बैंक्स में आपको 80% तक का जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। हेडफोन्स एंड स्पीकर्स में भी आपको 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यदि हम ओवरऑल बात करें तो आपको कोई सा भी आप कैटेगरी चूज कर लीजिए, उसमें पर्टिकुलर कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपको 20% से स्टार्ट होकर 90% हाईएस्ट तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कंपनी आपको 100% का डिस्काउंट दे दे, यानी कि आपको चीज़ फ्री में मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आपको स्टार्टिंग वो कैटेगरी वाइज भी निर्भर करता है, लेकिन स्टार्टिंग आपको 20% से देखने को मिलेगी और एंड तक आपको 90% तक देखने को मिलेगा, यानी कि 20% से लेकर 90% तक आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैं कुछ अलग सी चीज की, यानी कि आपने ये सारी चीज देख ली कि किसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा भी बिग मिलियन डेज में कुछ और होने वाला है जो शायद आपको यूट्यूब चैनल पर कोई और नहीं बताएगा और कोई यूट्यूब वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के दिन मैं आपको बता देता हूं, यदि आप सुबह 8 बजे परचेस करते हो कोई आइटम, या फिर दोपहर में 12 बजे, या फिर शाम को 4 बजे, यानी कि इन तीन टाइप में, यानी कि सुबह 8 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे यदि कोई भी आइटम परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको एक कुछ बता दूं, यदि हर 8 घंटे में, यानी कि हर 8 घंटे में आपको जो ऑफर्स हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि हर 8 घंटे में ऑफर्स चेंज होते रहेंगे। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूं, जो सेल की डील होती है, यानी कि जैसे टुडे डील वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक के संग एक फ्री, एक के संग दो फ्री, ये जितनी भी डील्स होती हैं ये आपको हर घंटे चेंज होते हुए दिखेंगी। और यदि आपको सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है या फिर सबसे सस्ती चीज़ लेनी है तो आपको दोपहर में 2 बजे परचेस करने पड़ेगा, जो कि इन मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा रश का, यानी कि सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ का टाइम होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर दोपहर के 2 बजे। यदि आप दोपहर के 2 बजे कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो आपको सीधे सीधे बहुत ही सस्ता या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट वेबसाइट। ये सारी चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट से उठाई हैं जगह जगह से, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑफिशियल है, इनमें कोई भी चीज़ झूठी नहीं है, रियल है, सारी फेक नहीं है कोई भी चीज़ में, सारी चीजें रियल है। तो आप इन चीजों पर विश्वास कीजिए और इसके हिसाब से आप परचेस कीजिए और इन डेज में आप काफी ज्यादा परचेस कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको कोई भी चीज की जरूरत है आप इनमें परचेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद।